भारत तक अब नए अंदाज में। दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय याकुल्ट। याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। तालिबान को लेकर सुरक्षा बलों का अलर्ट अलग लेवल पर है। तमाम एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेशन लगातार किया जा रहा है, जिससे सुरक्षा में कोई चूक ना हो सके। बीएसएफ का तालिबान को लेकर क्या सोचना है, इस पर बीएसएफ की प्रतिक्रिया सामने आई है। बीएसएफ ने तालिबान को लेकर कहा है कि उसकी गतिविधियों और उसके कारण पैदा होने वाले भारतीय सीमाओं पर खतरे को लेकर वो लगातार निगरानी कर रही हैं और सुरक्षा एजेंसियों से लगातार उन्हें इनपुट भी हासिल हो रहा है। सही कहा कि ये जब से तालिबान सो टू से फ्री है अफगानिस्तान में, इट डजंट हैव वेरी मच टू डू, एंड जो अमेरिका द्वारा जो हथियार, गोला बारूद, गाड़ियाँ, इस तरह का अमल असला जो छोड़ के गए हैं, इट इज़ अ कॉज फॉर वरी, देर इज़ नो डाउट अबाउट इट, एंड देर इज़ एवरी चांस दैट मे बी पाकिस्तान कैन ट्राई एंड एक्सप्लॉइट दिस पीपल और उनको कोई ना कोई लालच किया जैसे भी देखे और कॉन्ट्रा वट एवर करके और इंडिया में जिहाद के नाम पे कश्मीर है, इन पे इनमें घुसाने की और गड़बड़ी फैलाने की कोशिश अवश्य करेगा। वी आर वेरी मच सेंसिटिव टू दिस एस्पेक्ट जो आपने बताया, एंड वी हैव बीन रेगुलरली मॉनिटरिंग बिकॉज अक्रॉस द बॉर्डर की मॉनिटरिंग और किसी भी प्रकार के उनके जो भी मंसूबे हों या जो भी उनके प्लान्स हो, वी आर इन टच विद आर इंटेलिजेंस एजेंसीज इन इंडिया टू कीप अ वेरी स्ट्रिक्ट वॉच ऑन दिस, एंड द गवर्नमेंट इज वेरी कंसर्न अबाउट दिस कि अगर ऐसा न हो कि वी शुड बी टेकन अनवेयर्स ऑफ दिस। वहीं बीएसएफ इस वक्त 193 बटालियन के साथ देश के बॉर्डर्स की रक्षा कर रही है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर की सुरक्षा बीएसएफ के हाथों में है। बांग्लादेश सीमा के साथ भारत की 4100 किलोमीटर की भूमि और 930 किलोमीटर नदी सीमा क्षेत्र से लगा हुआ है। म्यांमार बॉर्डर पर बीएसएफ मौजूद नहीं है, लेकिन उन इलाकों से आने वाले रोहिंग्याओं और अवैध हथियारों पर उनका खुफिया तंत्र सक्रिय नजर रखता है। इसको लेकर कई तरह की निगरानी भी की जा रही है। वहीं पूरे देश में अगर ड्रग तस्करी को लेकर जो रोकने की कोशिशें हैं बीएसएफ की तरफ से, उसके भी अलग अलग तरह के उपाय किए जा रहे हैं, जिनमें से कुछ उपाय जो हैं वो बीएसएफ के डीजी पंकज कुमार ने मीडिया से साझा किए हैं। तो वेरेवर जहां पानी ज्यादा होगा, रात में धुंध इतनी ज्यादा होती है कि इतनी ज्यादा, वेदर यू गो टू द धुबरी एरिया और यू गो वेदर गैंजेस एंटर्स बांग्लादेश, वहां धुंध इतनी ज्यादा होती है, विजिबिलिटी इज डाउन टू लेस देन 10 मीटर्स। So let me tell you one very interesting thing that we started in Bengal area and Assam area. We started putting out all our dogs at night. कुत्ते हमारे पास जितने थे, और हमारे पास कुत्तों की संख्या भी काफी है, करीब 674 कुत्ते हैं हमारे पास। तो you see, a dog can listen much better, it can smell much better, and it can see much better than us at least. तो रात में कहीं भी कोई आहट हो, कोई भी मूवमेंट हो, एटलीस्ट अ डॉग कैन हियर इट बेटर देन अस। तो हमने क्या किया कि जहां भी इस तरह का हो, कुछ कुत्ते छोड़ दिए। व्यक्ति कई बार भाग गया, लेट मी टेल यू, व्यक्ति भाग गया, मगर इस जल्दी में जो भागने में वो अपना ओछा छोड़ दिया, अपना फेंस कटर छोड़ गया, कुछ भी छोड़ गया, उसको सवेरे की लाइट में हमने सुंघाया और उसके बाद वो कुत्ता 2-3-4 किलोमीटर तक ट्रेस करते हुए गांव में जाकर उसके घर के सामने बैठ गया। You see, a dog can do that, I can't do it. पर ये बहुत ही, और हमने इसी तरह कम से कम 10 केस इसी तरह दर्ज कराए उसी व्यक्ति के नाम पे। अब वो व्यक्ति गांव से भाग गया अगले 3-4 महीने के लिए। Anyway, our purpose was served. सुरक्षा के मापदंड पर बीएसएफ हर कसौटी पर खरी उतरी है। वक्त वक्त पर बीएसएफ ने अपने ऑपरेशंस के जरिए भारत के दुश्मनों की कमर तोड़ने का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।